कल्याण की कुलसीवाड़ा पुलिस ने एक ऐसे शातिर और खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया जिसकी दहशत से पूरा इलाका खौफ खाता था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रुपेश कनौजिया के रूप में हुई है। इसके खिलाफ मारपीट और लूटपाट जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि बेवजह आम लोगों को परेशान करना, उनके साथ मारपीट करना, चाकू दिखाकर लूटपाट करना, चाकू से जानलेवा हमला कर देना, इस तरह की कई वारदातों को वह अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी पूरे शहर में परेड कराई ताकि उसकी दहशत और खौफ को कम किया जा सके। दिन मेरा लड़का नानी के घर पे आया था, उसका बर्थडे था तो नानी को मिलने को आया था, तो उसको रात को आ रहा था घर पे, तो उसको तीन जन ने पकड़ के मारा। काय नाव है पोरांचे, तीन जन थे मारने के लिए उनको, तो एक ने चाकू से मारा, पूरा उसका आधा शरीर पूरा ढीला पड़ गया है, उसको वॉशरूम का मालूम नहीं पड़ रहा है, उसको संडास का मालूम नहीं पड़ रहा है, वो पूरा शरीर एक साइड से एकदम पूरा ढीला पड़ गया है और दिमाग में उसके मेंदू में भी पानी हो गया है। डॉक्टर लोग ने उसका ऑपरेशन करने के लिए बोला। अच्छा, क्या कहना है इसे? पहले उस आरोपी पकड़े गए, पुलिस से क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, मेरे बच्चे को मरते मरते बचा है, मेरा बच्चा, उस सीरियस है, उसको न्याय मिलना चाहिए। बस जादव साहब से मेरा यही रिक्वेस्ट है, उस मेरे को न्याय मिला के दो बस। आज रुक्मिणी से उसको लिया नहीं, रुक्मिणी से कलवा भेजे, कलवा से अभी केम में भेजे, उसको ऑपरेशन दिमाग का ऑपरेशन करने को बोला, पूरा नस उसका बंद हो गया है दिमाग का। आज मैंने बहुत मेहनत करके मेरे बच्चे लोगों को पाला है और आज वो मरने के इस पे मेरा लड़का। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने वो लोगों को पकड़ा है, आरोपी लोगों को, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरे को न्याय दिला के दो बस।